चेतना आपको लानी है, सारे जड़ आपके लिए ईश्वर बन जाएंगे। ठीक है, जिसने वहां पे रखा वह तो चैतन्य था। यदि शंकराचार्य जी ने आपके ज्योतिर्लिंग स्थापना करी तो वो चैतन्य थे, तो उन्होंने चैतन्य स्थापित किया आपके भीतर क्या है। तो आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी तीर्थस्थल पे, सब जड़ है आपके लिए, लेकिन आप अगर चेतनशील हैं तो वहां पे दर्शन है। क्या करने गए हो, कौन सा दर्शन? मैं कहती हूँ वैष्णो देवी इतने लोग जानते हैं, कितना चढ़ावा चढ़ता है जिसका कोई अंत नहीं, उस चढ़ावे का क्या कोई सदुपयोग हुआ कहीं पर? कितने गरीबों को जाता है भगवान के पास का धन है ना, तुम उतना ही खाओ जितना तुमको खाना है, बाकी धन का क्या हो रहा है? ऐश हो रहा है। धन ज्यादा होगा दिमाग खराब होगा। आपने गरीबों को दान नहीं दिया, उससे सबके जो जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है दुनिया में, हर मंदिर से निकल निकल के जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कोष ही काम नहीं करेगा, कोष तो हर उस मंदिरों का है, हर उन जगहों का जाना चाहिए जहां इतना अकूत संपत्ति बैठी हुई है, करोड़ों करोड़। आप उसमें से निकालिए भाई ये करोड़ और जाकर दे आइए, कहीं खाना नहीं, कहीं पानी नहीं, कहीं वस्त्र नहीं, कहीं सिर की छत नहीं है, दीजिए नहीं, वो ईश्वर का नहीं, ईश्वर का पैसा तो हम खाएंगे। इसलिए आपको समझना पड़ेगा चेतना क्या है, या जो आप चढ़ा रहे हो कहाँ चढ़ा रहे हैं। माँ वैष्णवी आपके नाभि दर्शन पर हैं, विष्णु जी की पत्नी है वैष्णवी। वैष्णवी कौन है? वो जो देवी है ना, वो भगवान विष्णु की शक्ति लेकर के पैदा। ठीक है, चलिए, ये सब कथा तो आपको किसी भी किताब में मिल जाएगी, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि अगर आप चेतन हैं, आप जगे हुए हैं, तो आपको हर जगह जगत जगता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये जगत जगता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आप ही सोए हैं तो ये सारा जगत सोया हुआ है, मरा हुआ है, इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। अब एक चक्र यहाँ आता है, छठा चक्र है, इस चक्र को आज्ञा चक्र बोलते हैं, और ये खुलता ही क्षमा के साथ। बड़ा मुश्किल काम है क्षमा करना, बहुत मुश्किल काम है। किसी ने आपको कष्ट दिया, आप क्षमा नहीं कर सकते, हम ही कोई बात कठोर बोलेंगे, मन में घूमता रहेगा, आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे, आप न जाने क्या क्या मेरे को बोल गए होंगे। लेकिन जिस दिन आप बोलते जाने दो, बोल दिया उन्होंने अपनी बुद्धि से बोला, चाहे वो बड़े हैं बोला, चाहे ये छोटे हैं बोला, चाहे ये है बोला, कोई बात नहीं, आप तो पार हो गए, आप पार हो गए, आपको पता भी नहीं चला। आपकी शक्ति ना, कुंडली माँ इतना प्यार करती है, जो लोग क्षमा करते हैं, जीसस की तरह, वो गणपति की तरह, कार्तिकेय जी की तरह, वो ये हनुमान जी की तरह, क्या भगवान, सिर्फ भगवान को देखते रहो, अपना काम करते रहो, क्षमा तो बन जाएगी। तो ये शक्ति क्षमा के साथ होती है, सूर्य और चंद्रमा की ये मिली हुई शक्ति यहाँ पर होती है। अब पीछे की तरफ ना एक ऐसी शक्ति होती है यहाँ पे गणेश जी की, जो आपको भूतकाल में घुमाते रहते हैं, भूतकाल में आप कहाँ इस समय भी, अब आप अपने आप देखिए, अब आपकी चेतनता, अभी थोड़ी देर पहले आप कहाँ पे थे, अपनी चेतना को देखिए, वर्तमान में थे कि भूतकाल में थे कि कोई भविष्य की चिंता थी, बात को पकड़ रहे हैं आप, अभी के अभी आप कहाँ थे। तो जो लोग वर्तमान में अपने को रखने की कोशिश करते हैं बच्चों, आप जान लेना दुनिया भर की विपदाएं आ जाएंगे। अगर आप अपने को वर्तमान में साध के रख लिया है ना, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ ना बिगाड़ सकेगा। ठीक है, आपका सब ले लेगा, आपका कुछ ना बिगड़ेगा, क्योंकि आपके साथ प्रभु है। तो आप क्षमा करें और आप वर्तमान में रहें। दो गुण अगर आपने साध लिया अपने ध्यान में, आप विश्वास करना ईश्वर की शक्ति सदैव आपके साथ चल रही है, आप फील करेंगे। ठीक, ये लिम्बिक एरिया सहस्त्रार ये तभी खुलेगा जबकि आपको माँ कुंडली को उठाने की शक्ति का आभास हो जाएगा। कैसे उठाया जाए आज हम आपको बताते हैं। ये शिवनाथ जी ने हम लोगों को दिया, बिना पैसे का दिया। जो गुरु पैसे से ही ज्ञान दे रहा है वो असली गुरु नहीं होता, मान का वो चाकर है। जिसने पैसे से आपको कुछ दिया वो तो चाकर हो गया, असली तो वो है जो कुछ लिए ही नहीं और आपको दे सके, तो वो एक दानी है ना। ज्ञान दान देंगे, अर्थ दान देंगे, प्रेम दान देंगे, कोई भी दान देंगे इस तरह से। तो फिर आइए हम लोग पहले वो जागृति करते हैं जो श्री माता जी निर्मला देवी ने दिया है।